नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी एक बार फिर आपके बीच में एक नया वीडियो लेके। और आज का हमारा टॉपिक होगा दो मुखी धन रेखा के बारे में। दो मुखी के ऊपर मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स बना चुका हूँ, बट ये मेरा फोर्थ चौथा टॉपिक है। बट वो धन रेखा से रिलेटेड नहीं थे, ये वाला धन रेखा से रिलेटेड होगा। वीडियो को अंत तक देखना और मैं मैनुपलेट करके बातें नहीं करता, मैं जो होगा एज इट इज सीधा सीधा बोलूंगा, क्योंकि मैनुपलेट करके आपको गुमराह करके मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। जो है प्रैक्टिकली ज्ञान है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले बता दूं धन रेखा क्या होती है, जिन जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी हृदय रेखा होती है, हाथ में 3 रेखाएं प्रमुख होती है जो कि हर व्यक्ति के हाथ में होती है मैक्सिमम। अगर ये 3 रेखा, ये होती है हमारी जीवन रेखा, ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये होती है हमारी हृदय रेखा, यानी कि हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। अब धन रेखा क्या होती है, धन रेखा को हम भाग्य रेखा के उससे भी कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। जैसे कि धन रेखा इसे भाग्य रेखा कहते हैं, पर ये धन रेखा के उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देती है हमें। अब यही धन रेखा आपकी अगर अच्छी है तो आपको लाइफ टाइम पैसे की दिक्कत तो देखो राहु रेखा देगी, पर पैसों की कमी नहीं आएगी, धन रेखा इतना बता देती है। अब आपने कई बार देखा होगा किसी की धन रेखा इस तरीके से भी चालू होती है, दो मुखी होके इस तरीके से, और किसी की आगे जाके बहुत अच्छी दो मुखी बनती है इस तरीके से, किसी की दो शाखाओं में अच्छी बढ़ जाती है इस तरीके से। तो दो मुखी रेखाएं अगर इस तरीके से हो तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी हाथ में ऐसी होगी, व्यक्ति अगर मतलब छोटी फैमिली में भी जन्मा है ना, यानी कि अगर गरीब परिवार में भी है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, तो ये कह सकता हूँ कि वो छोटे से अपनी दम पे बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हैं। 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर इसका जुपिटर माउंट भी व्यक्ति के हाथ में उठाओ तो फिर चांद चौंकने वाले वो ही है कि मतलब चांद तोड़ रहा है ऐसा व्यक्ति, ये फिर कह सकते हैं। मतलब आप बात को समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हाथ में इस तरीके की रेखा है दो मुखी, जुपिटर उठा हुआ है किसी फीमेल का या मेल का, तो ऐसे व्यक्ति मेहनत बहुत करते हैं जीवन में और सफल भी बहुत होते हैं। धर्म कर्म के कार्य करेंगे, पैसा बहुत कमाएंगे जीवन में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस तरीके का होगा, जो मैंने कंडीशन बताई प्रॉपर ही होनी चाहिए बस। फिर दूसरा है कि दो मुखी रेखा अगर नीचे से चालू हो तो व्यक्ति अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले आपको मैक्सिमम मैंने देखे हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये नहीं कह रहा कि अच्छी फैमिली इन द सेंस कि उनका जो दादा परदादा होंगे, दादाजी होंगे, दादी जी होंगी, या उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होगा, वो चीज़ मैं नहीं कह रहा, रिच बैकग्राउंड की नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छी संस्कारी फैमिली से भी कहीं ना कहीं बिलोंग कर सकते हैं, या फिर रिच, ये दोनों में से एक चीज़ ज़रूर आती है। और अगर मैं देखूँ तो ये रेखा अगर शनि पे जाके बट जाए या सूर्य पे, कहीं पे भी दो मुखी रेखा धन रेखा पे, तो ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के भी योग बनाते हैं जीवन में। जॉब करेंगे तो जल्दी प्रमोशंस मिलने के इनके योग होते हैं, और अगर जॉब नहीं करते बिजनेस में अच्छा ग्रो करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। छोटा टॉपिक बना रहा हूँ पर थोड़ा आप समझ जाएंगे। अगर ये रेखा दो मुखी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े घुमरा जरूर हो जाते हैं जीवन में, ये नेगेटिव चीज़ है कि थोड़े मैनुपलेट जरूर हो जाते हैं चीज़ों को लेके। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा डैमेज हो तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ दोस्तों, कोई किताबी ज्ञान नहीं है मेरा। इन चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखें, अगर है मस्तिष्क रेखा डैमेज और दो मुखी रेखा है तो मैनुपलेट ना हो अगर आप कुछ चीज़ को ज़्यादा डीपली सोच लेंगे तो हो सकता है, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ों का अगर आप डीपली सोचते हो तो डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और इसके उपाय अगर आप चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सअप पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आप अपना हस्तरेखा या अपनी कुंडली का रीडिंग कराना चाहते हैं तो। वीडियो शॉर्ट था पर बहुत ज़्यादा जेन्युइनली था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने कवर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।